नमस्कार दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता आज आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम दोस्तों रिवर्स चार्ज में आगे बढ़ेंगे। रिवर्स चार्ज सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 क्या कहता था? रिवर्स चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, जो मेन रिवर्स चार्ज का सेक्शन है। 9 सब सेक्शन 4 अनरजिस्टर्ड डीलर का है, 9 सब सेक्शन 5 ई कॉमर्स ऑपरेटर का है, जिसको हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। उसकी 3B में क्या अमेंडमेंट आई है हमने वो भी कवर कर लिया है। अब हम 9 सब सेक्शन 3 का जो गुड्स एंड सर्विसेज है अब हम उसको समझने वाले हैं। ये हो गया जी अपना रिवर्स चार्ज, हमने ई कॉमर्स ऑपरेटर कर लिया है, अनरजिस्टर्ड डीलर हम बाद में करेंगे। एक है जी गुड्स एंड सर्विसेज, ये 9 सबसेक्शन 5, 9 सबसेक्शन 4, 9 सबसेक्शन 3। इसका गुड्स अलग है, सर्विसेज अलग है। आज हम गुड्स को करने वाले हैं दोस्तों। कौन कौन से गुड्स रिवर्स चार्ज में कवर्ड हैं? बहुत सारे दोस्तों को यही नहीं पता अभी तक कि गुड्स भी रिवर्स चार्ज में कवर्ड हैं, तो आइए दोस्तों आज इसी को हम सीखते हैं कि कौन कौन से गुड्स रिवर्स चार्ज में हैं। ये कुछ नोटिफिकेशंस गवर्नमेंट ने इशू की हुई है दोस्तों, ये सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप इस पर जाके कभी भी नोटिफिकेशंस देख सकते हैं। और इन नोटिफिकेशंस को हम रीसेंट इंटरवल्स पे अपडेट भी करेंगे जब जब इनमें अमेंडमेंट आएगी, तो आप यहाँ से बड़ा ईजीली नोटिफिकेशंस को स्क्रॉल कर सकते हो। तो दोस्तों आइए, पहली बात, रिवर्स चार्ज वहाँ पर लगेगा जहाँ गवर्नमेंट को लगेगा कि टैक्स इवेजन हो सकता है या टैक्स हमारे पास कलेक्ट ना हो पाए, ठीक है दोस्तों। तो आइए, सबसे पहला पॉइंट है कैशू नट्स, काजू, नॉट शेल्ड और पील्ड, खुले हुए ना हो वो। बेसिकली केरला में अगर आप गए हो तो आपने देखा होगा उसके ऊपर काला काला सा एक वो लगा होता है शील्ड और पैल्ट, वो बेशक से खुला हुआ है बिल्कुल रेडी टू यूज़ है या ना खुला हुआ। सप्लायर ऑफ गुड्स एग्रीकल्चरिस्ट, दोस्तों देखो एग्रीकल्चरिस्ट के ऊपर इनकम टैक्स भी नहीं है, GST भी नहीं है, तो गवर्नमेंट को टैक्स लेना था लेकिन एग्रीकल्चरिस्ट से नहीं लेना था, तो इन्होंने क्या किया, रिसिपियंट ऑफ सप्लाई एनी रजिस्टर्ड पर्सन। अब मेरा क्वेश्चन, क्या इसको 20 लाख या 40 लाख वाला जो बेनिफिट है रजिस्ट्रेशन का, क्या वो मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए दोस्तों, मैं वेट करूंगा आपके रिस्पॉन्सेस का। क्या जो बंदा एग्रीकल्चरिस्ट से काजू खरीद रहा है एनी रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है दोस्तों मैंने बता दिया है, वैसे एनी रजिस्टर्ड पर्सन, वो पहले रजिस्ट्रेशन ले चुका होगा, एनी पर्सन नहीं लिखा, एनी रजिस्टर्ड पर्सन लिखा, यानी कि वो ऑलरेडी GST में रजिस्टर्ड है और काजू खरीद रहा है फ्रॉम एग्रीकल्चरिस्ट, तो उसको रिवर्स चार्ज में GST देना है। अगर मैंने किसी किसान से खरीद लिया, मेरा कोई GST नंबर नहीं है, तो मुझे रिवर्स चार्ज में GST नहीं देना। अगला टॉपिक, BD रैपर लीव्स टेंडू लीव्स, ये भी एग्रीकल्चरिस्ट, दोस्तों एग्रीकल्चरिस्ट को पकड़ पाना मुश्किल है। एक रजिस्टर्ड बंदा जिसका काम ही कैशू नट्स या बीडी का ट्रेडिंग करना है या मैन्युफैक्चरिंग करना है, उससे कुछ भी करना है यूज, उसको पकड़ना आसान है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इनके ऊपर रिवर्स चार्ज में GST लगा दिया। टोबैको लीव्स, ठीक है दोस्तों, इस पर भी सेम वही है, एग्रीकल्चरिस्ट इज द सप्लायर एंड एनी रजिस्टर्ड पर्सन इज द रिसीवर। सिल्क यान, एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चरर सिल्क यान फ्रॉम रॉ सिल्क और फॉर सप्लाई ऑफ सिल्क यान, दोस्तों फिर वही वाली बात है कि ये भी एक तरीके से एग्रीकल्चरिस्ट ही काउंट करूंगा मैं, क्योंकि ये सब भी अनरजिस्टर्ड बंदे होंगे। एनी रजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाई ऑफ लॉटरी, यहां पर देखिए दोस्तों, सप्लाई ऑफ लॉटरी, गवर्नमेंट ने अपनी सिरदर्दी लॉटरी पे से हटा दी। अगर सप्लायर है स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरेटरी और एनी लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट कहती है हम नहीं देंगे GST भैया, हमसे तो टिकट ले रहे हो, तो लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर और सेलिंग एजेंट को खुद GST जमा कराना है रिवर्स चार्ज में फॉर द पर्पस, ये तो ठीक है नॉर्मल आप पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो ये तो हो गया जी 4/2017 पहली नोटिफिकेशन जो इसके ऊपर इशू हुई थी। उसके बाद अगली नोटिफिकेशन 36/2017, आप जब भी कभी नोटिफिकेशन पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको लिखा हुआ और मिलेगा सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 की पावर के तहत ये नोटिफिकेशन इशू की गई है, ठीक है जी। अगला आया जी यूज्ड व्हीकल्स, सीज्ड व्हीकल्स, अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से व्हीकल खरीदा है या स्टेट गवर्नमेंट से या यूनियन टेरिटरी से और कोई लोकल अथॉरिटी से, तो आपको उस गाड़ी के परचेज पे यूज्ड व्हीकल सीज एंड कन्फिस्केटेड गुड्स, अरे भैया
कॉन्फिस्केटेड गुड्स गवर्नमेंट के भी कॉन्फिस्केट होंगे क्या? पता नहीं, आई डाउट। ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट एंड स्क्रैप, तो देखो सब कुछ आ गया, सिर्फ व्हीकल्स नहीं है, सीज एंड कन्फिस्केटेड गुड्स भी है। ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, स्क्रैप, गवर्नमेंट का कुछ भी सामान बिक रहा है तो आप अगर गवर्नमेंट से परचेज कर रहे हो तो सावधान, आपको जीएसटी रिवर्स चार्ज में देना है अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो। ठीक है दोस्तों, अगली नोटिफिकेशन देखते हैं इसके बाद, 43/2017। रॉ कॉटन, वही अगर एग्रीकल्चरिस्ट ने दिया है एनी रजिस्टर्ड पर्सन को तो उस रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी रिवर्स चार्ज में देना है। फिर आया जी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। दोस्तों कुछ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं बैंक्स के बीच में, उसके ऊपर इन्होंने कहा है एनी रजिस्टर्ड पर्सन, अगर दोनों बंदे रजिस्टर्ड हैं तो रिसिपियंट ऑफ सप्लाई को जीएसटी देना है, सप्लायर ऑफ गुड्स को जीएसटी नहीं देना। इट्स मैंडेटरी रिवर्स चार्ज, ओके दोस्तों, ऑप्शनल नहीं है। इसके बाद फॉलोइंग एसेंशियल ऑयल्स, अगर ये सब ऑयल्स कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, स्पेयरमेंट ऑयल, वाटरमेंट ऑयल, हॉर्समेंट ऑयल, बेगरमेंट ऑयल, ऑयल के कुछ प्रकार हैं दोस्तों, आप गूगल पे पढ़ लेना इनके बारे में, मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं पता कौन से वाले ऑयल्स हैं ये। तो अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को देता है ये ऑयल, अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन की बुक्स आप ऑडिट कर रहे हो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या एज ए ऑडिटर या एज ए अकाउंटेंट, तो आप ये देख लेना इस तरीके के ऑयल्स आपकी परचेज में ना आ रहे हो और आप सेलिंग कर रहे हो, सेलिंग के टाइम पे आप जीएसटी दे रहे हो लेकिन परचेज के टाइम पे रिवर्स चार्ज में जीएसटी नहीं दे रहे, तो नॉन कंप्लायंस हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो आइए अब मैं आपको इसको कंप्रेस कर देता हूँ, ये सारी हमने एक ही शीट में कंप्रेस किया हुआ है आपके लिए। कैशू नट्स, बीड़ी, टोबैको लीव्स, 3A बाद में जुड़ा, फॉलोइंग एसेंशियल ऑयल्स, देन सिल्क यार्न, रॉ कॉटन, सप्लाई ऑफ लॉटरी। तो आप ये देखिए गवर्नमेंट ने इसके अंदर मेन चीज क्या है, एक तो गवर्नमेंट ने अपनी सिरदर्दी खत्म की है, भैया हमारे से तो कोई भी बंदा कुछ भी परचेज करेगा, स्क्रैप वगैरह कुछ भी लेगा, अपने आप जीएसटी जमा कराए, इनपुट लेता रहे, हम नहीं जीएसटी जमा कराएंगे। सेकेंडली और क्या, और जितने भी एग्रीकल्चरिस्ट से रिलेटेड ये सब सामान है, ये सब गुड्स हैं, उन सब के ऊपर भी गवर्नमेंट ने कहा भैया एग्रीकल्चरिस्ट को हमें पकड़ना मुश्किल है, अदर देन एग्रीकल्चरिस्ट को पकड़ो, उससे जीएसटी रिवर्स चार्ज में ले लेते हैं, वो ज़्यादा ईजी रहेगा, प्रोवाइडेड वो अदर पर्सन रजिस्टर्ड हो ऑलरेडी। तो 20,40,00,000 वाला तो चक्कर ही खत्म, पहले रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज लगेगा, अदरवाइज रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी, आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे पास क्वेरीज भी आ रही हैं आपकी, कुछ दोस्तों की क्वेरीज आई थी रिवर्स चार्ज के लिए, आप हमारे ऑफिस के नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ऑफिस टाइमिंग पर कॉल करके अपनी क्वेरीज हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस कर सकते हैं। हम आशा करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आई है। जय हिंद।